हेलो दोस्तों, मैं प्राण सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे धातु एंड अधातु। ये कक्षा 10 क्या है केमिस्ट्री का पार्ट से, कल हमने इसके कुछ भाग देख चुके थे। आज हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले पहला जो हम लोग देख रहे हैं, पहला वायु के साथ अभिक्रिया। वायु धातु क्या करता है, वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, वायु का ही रूप है ऑक्सीजन, जिसको वायु। तो ये कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो ये इसके रासायनिक गुण है। कल हमने इसका भौतिक गुण में देखा था, आज हम लोग रासायनिक गुण में सिर्फ चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिलता है कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ इसके भी एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन के प्रति अतिक्रियाशील होते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ये तुरंत क्या होते हैं, जल जाते हैं, जिसके कारण इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इसको, कि पूछता है कि ये सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, डुबाकर। तो आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन के प्रति अतिक्रियाशील होने के कारण ये जल्दी से जल जाते हैं, जिससे बचाने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। कुछ इसमें है, आयरन में भी है। जैसे आयरन की बात करेंगे, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। आयरन को जब हम लोग गर्म करते हैं वायु में तो वो गर्म नहीं होता है। लेकिन लो चूर्ण, मतलब आयरन के छोटे छोटे अगर हम लोग चूर्ण कर ले और इसको अगर हम लोग आग में डालते हैं तो ये तेजी से जलने लगता है। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करकर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। साथ में धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रो ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे सोडियम को देख रहे हैं जल के साथ, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH+ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। मतलब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। इधर हम लोग देखते हैं दूसरा इसका एग्जांपल में, एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। फेरस जल के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। थर्ड हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये अम्ल जो होगा तनु अम्ल होगा, मतलब तनु का मतलब हो गया, दो तरह का अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है, दूसरा होता है सांद्र अम्ल। ये है सांद्र अम्ल। तनु में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा, पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है, जबकि सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। तो ये वाला है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। धातु क्या करता है, जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे कि फेरस तनु अम्ल है, 2HCl बनाएगा फेरस क्लोराइड और H2 जिंक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया 2HCl, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये तीन हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया में, धातु का रासायनिक अभिक्रिया। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में आ जाता है, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ रहा है एग्जाम पर्पज से है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बना रहा, यहाँ पे ये अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, अम्ल के साथ अभिक्रिया 6HCl एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O जल का निर्माण किया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे ये क्षार है, इसको हम लोग अम्ल बोल सकते हैं, HCl अम्ल होता है और NaOH क्या होता है, क्षार, क्योंकि इसमें OH क्या है, आयन है, और इसमें हाइड्रोजन आयन है।
तो ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला याद रखना, 2NaAlO2 होता है, सोडियम एल्यूमिनेट कराता है। ये कभी कभी एग्जाम में ये एग्जाम्पल भी दे देता है। प्लस जल का निर्माण कर रहा है। तो ये था उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अब इसका अगला जो टॉपिक होता है वो है सक्रियता श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है? धातुओं की क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि इसकी अभिक्रिया की कुछ श्रेणी होगी जिसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना, मतलब जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी सिल्वर और गोल्ड। तो ये सब जो सभी है ये एक सक्रियता श्रेणी है। मतलब ऊपर वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये सबसे जल्दी अभिक्रिया कर जाएगा। इसके नीचे जैसे जैसे नीचे आते हैं इसकी सक्रियता श्रेणी घटते जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इधर से तो यहाँ तक की सक्रियता श्रेणी लगभग अधिक अभिक्रियाशील कहलाती है, और ये वाला अभिक्रियाशील जो है ये मध्यम कहलाती है। अभिक्रियाशील मध्यम अभिक्रियाशील है, मतलब ये धीरे धीरे अभिक्रियाशील करती है। और नीचे वाला जो दो बच जाता है गोल्ड और सिल्वर, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। इसी से हम लोग रिएक्शन जो होता है वो देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो ये इसके बारे में इस अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी के आधार पे ही हम लोग तय करते हैं। तो ये था रासायनिक धातु या धातु की रासायनिक अभिक्रिया उभयधर्मी ऑक्साइड और सक्रियता श्रेणी के बारे में। आई होप आपको ये समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।